भूखा रहने से कुछ नहीं होगा सकीना, खाना खा लो। बड़ों के फैसले कभी कभी सख्त होते हैं, हमें अजीब लगते हैं, लेकिन हम उससे इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अपने भाई रजब अली शाह को ही देख लो, उन्होंने हमेशा बड़े शाह जी के हर फैसले के सामने अपना सर झुकाया। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उनके फैसले के सामने अपना सर झुका दो। मैं सर कटवा तो सकती हूँ भाभी से, सर झुका नहीं सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सकीना, शादी के लिए हाँ कर दे। नहीं भाभी सेन, ये कभी भी नहीं होगा। कुलसुम, इसे समझा दो, कल इसकी शादी है और ये बाबा साई का अटल फैसला है, बल्कि हुक्म, और उनके हुक्म से इनकारी की सजा क्या होती है ये अच्छी तरह जानती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسمات سکینہ پروین دختر ریاست شاہ آج تم دنیا کی خوش نصیب اور پاک دامن عورتوں میں شامل ہو رہی ہو کیونکہ تمہارا نکاح خالق کائنات کے عظیم اور الہامی کلام قرآن پاک سے طے پایا ہے۔ اپنے خاندان کی گواہی میں کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ بولو بیٹی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ नहीं। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? जबरदस्ती मेरा सर नीचे झुका देने से निकाह नहीं हो सकता। मैं इस निकाह से इनकार करती हूँ। इनकार? सकीना, तेरी ये जुर्रत, गुस्ताख, बेअदब, बेहया, तूने कुरान पाक से निकाह को इनकार किया। तूने हमारी गैरत को ललकारा है, रियासत शाह की गैरत को ललकारा है। ललकार तो आप रहे बाबा साई, खुदा की कहर को। नस्ल दर नस्ल कुरान की तौहीन करते आ रहे हैं। आज इस हवेली की चार दीवारी के अंदर हमारे अपने खून ने हमारी पग को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। ये रियासत शाह की बदबख्ती है,
ये तुम्हारी कमजोरी है। बोलो रजब शाह। बाबा साईं, सकीना के इनकार करने से आपको जो ठेस पहुंची है उससे मैं वाकिफ हूं। सकीना यकीनन गुनेगार है। आपकी तरफ से दी जाने वाली हर सजा की मुस्तहिक है वो। आपका जो भी हुक्म होगा बाबा साईं, उस पर अमल किया जाएगा। फिर हमारा आखिरी हुक्म सुनाने से पहले उसे आखिरी बार समझा दो, हमारे उसूलों से बगावत की सजा मौत है। इस वास्ते या तो हमारा फैसला कबूल कर ले या फिर मौत कबूल करना पड़े। रबुल करीम, तू जानता है मैं कुरान पाक का इत्तराम सच्चे दिल से करती, किसी भी हाल में इस मुकद्दस कलाम की तौहीन नहीं कर सकती और ना ही तुझसे मौत मांग के तेरी हुक्म अदूली कर सकती। एक तू ही मुझे गुस्ताख कुरान बनने से बचा सकता है। मेरे पे करम कर मेरे मौला, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं कुरान पाक की लाज रख सकूं। क्या हुआ शाह जी, सब ठीक तो है? आप बड़े शाह जी से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? वही जो कह चुके हैं। इसका मतलब है उनका फैसला अटल है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कुलसुम, सवेली तो क्या पूरी जागीर में किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि बाबा साईं के फैसले के आगे सर उठा सके। जानती हूं मैं शाह जी, भला मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। ये फैसला भी शाह जी का था कि आप 10 साल बड़ी औरत से शादी करें। आपने ये उनका फैसला माना भी और निभाया भी, सब जानती हूँ। सकीना की शादी कुरान पाक से हो रही है, ना तो मैं बाबा साईं की हुक्म अदूली करना चाहता हूँ, ना ये अपनी बहन की जिंदगी पर बात। आप ज्यादा ना सोचें, आप सो जाएं, मैं सकीना को खुद समझाऊंगी। तुम रात के अंधेरे में इस हवेली से इतनी दूर चले जाओ कि कोई दिन के उजाले में भी तुम तक न पहुंच सके। लेकिन भाभी साहब, कोई सवाल मत करो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जान पर खेल के सिर्फ तुम्हारे लिए ये कदम उठाया ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। देर मत करो इससे पहले कि कोई देख ले। भाभी साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो सकीना, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर आज रात तुम यहाँ से न गई तो कल को तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। क्या खुदा भी मेरी मदद के लिए नहीं आएगा? और मैं यहाँ से क्यों भागूं?
जबकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इस घर की तहलीस के अंदर मैं एक शरीफ जादी हूँ। यहाँ से कदम बाहर निकालूंगी तो शरीफ नहीं रहूंगी, रह जाएगी तो सिर्फ एक तोमर, घर से भागी हुई लड़की जो इस बेरहम दुनिया की ठोकरों पर होगी। ये सवाल हमारे करने का नहीं है, कलामे इलाही की लाज का है। ये जंग है मेरे और जहालत के दरमियान। इसमें या तो मेरी फतह होगी या शहादत। आज पहली बार एहसास हो रहा है तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या सोच के रजब शाह के साथ गद्दारी की जुर्रत की है तूने? क्या सोच कर इस हवेली की शान पर थूकने की जुर्रत की है तूने? बोल। मैंने इस हवेली पर थूकने के लिए नहीं शाहजी, कुरान पाक की लाज बचाने के लिए सकीना की मदद करने की कोशिश की है। मैंने तो हमेशा ही इस हवेली की शान बचाई है शाहजी। अगर जिंदगी में पहली बार कुरान पाक की शान बचा ली तो क्या बुरा किया? चल भांज भाई, बोलो रजब शाह, क्या सकीना का उठा हुआ सिर झुक गया है या हमारे आखिरी फैसला सुनाने का वक्त आ गया है? नहीं बाबा सही, सकीना को अब भी आपके फैसले से इनकार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बागी खून को सजा सुनाने का वक्त आ गया है। बागी को सजा देने के लिए तैयार हो रजब शाह? जी बाबा सिंह। तो फिर सकीना को इस हवेली की दहलीज से इतने दूर ले जाओ कि उसकी आखिरी चीख हमारे कानों तक ना पहुंच सके। सकीना, काश मैं तेरा जुर्म अपने सर ले सकती। सकीना, काश मैं तेरे लिए कुछ कर सकती। आप रो क्यों रही हैं भाभी साहब? शादी इसे माफ कर दे, शादी छोड़ दे इसे। शादी मेरी बात सुने, माफ कर दे शादी इसे, शादी छोड़ दे इसे। आप गुल्लक का वास्ता है, शादी माफ कर दे इसे।
रुक क्यों गए? चला ही ये गोली। आज मैं अपना खून अपने भाई को माफ करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सिर्फ अपने बाप का हुक्म पूरा कर रहे हैं, और मैं अपने खुदा का हुक्म पूरा कर रही हूँ। चलाइए गोली। क्या हरकत है कुलसुम? ये आपकी पिस्तौल है शाहजी, इसके अंदर जितनी भी गोली है मेरे सीने में उतार दे, मार दे मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम कुलसुम? ये आप कर सकते हैं, आपके लिए ये मुश्किल काम नहीं है शाहजी। तुम अभी होश में नहीं हो कुलसुम, जाओ सुबह बात होती है। जाने से पहले मुझे मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। आखिर हर बार एक औरत की कुरान पाक के साथ शादी क्यों होती है, मर्द की क्यों नहीं होती? के हाल है निंद पुत्र दा? आप कौन है? मैं तेरे वास्ते आज नहीं, पर तू फिक्र न कर पुत्र, मेरे घर इच महफूज है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तेको अपने घर के बाहर जिता ही बेहोश, और मैं ते कुछ आगे अंदर गेना है। और हम तू दस ना, तू कौन है, तेरा क्या नाम है, क्या मुश्किल थी गई? जा चली जा यहां से, पर आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आज कुदरत ने तुझे एक और मौका दिया है, दोबारा लौटने की गलती मत करना, क्योंकि आज पहली बार मैं बाबा साईं का हुक्म तोड़ रहा हूं। जा। जा। ओदी, होश कर। कल हमारा दिया हुआ हुक्म पूरा हुआ कि नहीं? जी बाबा सिंह, पूरा हो गया। किसी ने कुछ देखा या सुना तो नहीं? नहीं बाबा सिंह।
मुबारक हो बड़े शाह जी। चल भाई वान। कल आपने अपनी धी को इस घर से बिन ब्याहे हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। कलसम, सकीना के बाद क्या अब तेरे अंदर भी बगावत सर उठा रही है, या फिर तू इस खानदान के असूल भुला बैठी है? नहीं बड़े शाह जी, मैं कुछ नहीं भूली, सब याद है, और मरते दम तक ये याद रहेगा कि आपके हुक्म से मेरे मजाजी खुदा ने अपनी सगी बहन के लहू से अपने हाथ रंग लिए। रुक जाइए। जी बाबा साईं, मैं जिंदा हूं। रजब, रजब शाह, ये हमारी आंखों का धोखा है या फिर तुम्हारी गफलत? बोल, जवाब दे रजब शाह, क्या तूने हमसे झूठ बोलकर हमारी हुक्मदूली की है? क्या तूने हमसे गद्दारी की है? बोल रजब शाह, बोल। ओ बुलाएगा क्यों नहीं, बोल। जिंदगी में पहली बार इन्होंने खुदा से वफादारी की है। अब आपकी बारी बाबा साईं, आप भी लाले रजब की तरह खुदा के सामने तौबा कर लें, ताकि मैं अपने खानदान का नाम फखर से ले सकूं। सकीना, तुम यहां क्यों आई हो? क्यों आई हो यहां? इसलिए लाला रजब कि मैं बाबा साईं को बता सकूं इनकी हवेली की बुनियाद सिर्फ गरूर और झूठी शान पे खड़ी है। अगर अब भी इनकी बुनियादों को ना बदला गया तो यह हवेली किसी भी वक्त गिर कर खाक में मिल सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है बाबा साईं, परवाह है तो उस आने वाले वक्त की, जब हमारी नस्लें इसी झूठी शान के साथ कुरान की गुस्ताखी को अपना हक समझेंगी और इन्हें एहसास भी नहीं होगा। बंद कर, बंद कर अपनी ये बकवास। रियासत शाह के इरादे और असूल तेरे इस बगैरत लाले की तरह इतने कमजोर नहीं है कि एक पल में टूट जाएं। हम अपने खानदान की इज्जत और शान के खातिर हर कुर्बानी देने का हौसला रखते हैं। रजब, रजब, रजब मेरा पुत्र, ये तूने क्या कर दिया है मेरा पुत्र, ये क्या कर दिया है? अपने बाबा साईं को अपना कातिल बना दिया है। तू मेरा वफादार पुत्र था, फिर तूने क्यों मेरी गोली का रुख अपने सीने की तरफ कर लिया है? क्यों बाबा साईं, जिंदगी में पहली बार आपकी हुक्मदूली की है मैंने, और उसकी सजा भी आपके हाथों मिल गई है। वैसे मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं है। जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वैसे मेरी इस बहन को बख्श दें, इसे माफ कर दे बाबा साईं।
से हौसला कर रजब शाह, हौसला कर, मुझे छोड़ के मत जाना पुत्र, मैं बदल दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं अपने आप को बदल दूंगा, मैं इस हवेली के असूलों को बदल दूंगा और मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा, तू मुझे छोड़ के मत जाना, तू मुझे ना जाने।